आज हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से अगर हम देखें तो जिस तरीके से पूरे ग्लोब के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है, सारी इकोनॉमीज एक नेगेटिव टेरिटरी में आती हुई दिख रही हैं, और साथ में देखें तो इस कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा लोग पूरे विश्व के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस पैंडेमिक की वजह से देखें तो पूरे ही विश्व के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है, और अगर देखें तो यहाँ पर एक जो पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर नेगेटिव होती हुई दिख रही है। अगर हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर जो शेयर बाजार है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है। अगर हम रिसेंटली देखें तो गोल्ड के अंदर जो ETF है वहाँ पर करीबन 170 टन पिछले महीने यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं, और टोटल होल्डिंग लाइफ टाइम हाई करीबन 3355 टन के आसपास गोल्ड ETF की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब ये शो होता है कि गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इवन अगर हम देखें तो गोल्ड बॉन्ड के थ्रू, गोल्ड ETF के थ्रू, गोल्ड बॉन्ड के थ्रू और ई गोल्ड के थ्रू यहाँ पर लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो पूरे विश्व के अंदर जो एक मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से ग्रोथ डेटा जो है वो नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं, वो यहाँ पर गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अगर हम देखें तो फेडरल बैंक की तरफ से और बाकी जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनकी तरफ से इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव करने की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी गोल्ड को यहाँ सपोर्ट मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, जिसका असर डायरेक्टली गोल्ड को आता हुआ दिखाई दिया। डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमने गोल्ड में तेजी का माहौल बनते हुए दिखा है। करंटली अगर हम देखें तो गोल्ड करीबन 46,800 के अराउंड चल रहा है, जो कि पिछले 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड का भाव करीबन $1,740 के आसपास पर आउंस के आसपास देखने को मिला। यहाँ भी हमने 2 हफ्ते के टाइट कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड के भावों में ऐसे ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो अभी रैली बनी है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड का भाव करीबन 1770 से लेकर $1790 तक, $1800 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट या MCX की बात करें तो हमारा व्यू है कि गोल्ड के भाव करीबन 47,500 से लेकर 48,000 तक के लेवल गोल्ड में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। करंटली भाव 46,800 के आसपास चल रहे हैं, तो जो भी करेक्शन 46,600 45,500 के आसपास तक मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि 47,500 से लेकर 48,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और मार्केट में 1770 से लेकर $1800 तक के लेवल यहां पर आ सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी हमने ट्रेंड पॉजिटिव बनते हुए देखा है, और सिल्वर के भाव भी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के टाइट कंसोलिडेशन के बाद नीचे से बाउंस बैक करते हुए देखे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $16 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं, और MCX डोमेस्टिक मार्केट में 45,000 तक के लेवल देखने को मिले हैं। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति है तो फिजिकल बाइंग जो है यहाँ पर कम देखने को मिली है, तो जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ई गोल्ड के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के थ्रू यहाँ पर खरीदारी करते हुए देखा है। इसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड ETF की डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो अभी भी गोल्ड एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यहाँ देखने को मिल सकता है, या जिनका पोर्टफोलियो है तो एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट गोल्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है।